हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो से आपको आपका स्ट्रॉन्ग लेग पता लग गया होगा और उससे आपको आपकी हाई जंप कौन सी साइड से करनी है वो भी पता लग गई होगी। तो इस वीडियो में हम हाई जंप के मेन कंपोनेंट जो कि है अप्रोच रन, उसको मेज़र करना सीखेंगे। ये अप्रोच रन का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में हम और डिटेल में जाएंगे। अप्रोच रन किसी भी फील्ड इवेंट का, जैसे कि जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इन सब का मेन पार्ट होता है। और अगर आपका ये पार्ट उतना ट्यून नहीं है या वो अच्छा नहीं जा रहा है तो फिर आपकी जंप भी अच्छी नहीं होगी। तो एक बिगिनर एथलीट को अप्रोच ट्रेनिंग का मेन फोकस अप्रोच रन को बनाना चाहिए और इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये मेजरमेंट जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो एकदम फाइनल नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे अप्रोच रन के एलिमेंट्स भी चेंज होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एथलीट बार के पैरेलल खड़ा होगा और एक आर्म डिस्टेंस से वो टेक ऑफ पॉइंट मार्क करेगा। टेक ऑफ के बारे में हम आगे वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में जस्ट आपका टेक ऑफ बार से कितना दूर होना चाहिए और टेक ऑफ एंगल क्या होना चाहिए उसको ही कंसीडर करेंगे। ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है। अब बारी आती है टेक ऑफ एंगल की। इस एंगल को मार्क करने के लिए आप सिंपली मैट के अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में एक मार्क लगा लीजिए। आपके पैर टेक ऑफ के वक्त बार से पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ये एक एंगल में हो तो बेटर जंप होगी। अब आप अपने एथलीट को इसी टेक ऑफ एंगल में 8 सिंपल पेसेस लेने को बोलिए। ये पेसेस एक इमेजिनरी कर्व में होंगे तो आपके फेले एथलीट या कोच देख सकता है कि ये कर्व ज़्यादा बड़ा ना हो और छोटा भी ना हो। 8 पेसेस में आपके 4 स्टेप बनेंगे। बिगनर एथलीट के लिए कर्व ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए और रन भी उतना बड़ा नहीं होगा। सिर्फ 4 स्टेप्स यानी 12 पेसेस का हमारा पूरा अप्रोच रन होगा। ये एथलीट कम से कम 5-6 बार करें और हर बार एक मार्क लगा लें और फिर एंड में इन्हीं सब का एक एवरेज लेकर एक फाइनल मार्क चूज़ कर लें और उस इमेजनरी कर्व को आप कौन से मार्क कर लें। एक और बात, अगर आप इवन स्टेप से कर रहे हैं, जैसे अगर आप 4 स्टेप से जंप कर रहे हैं, तो आपका रन राइट लेग से शुरू होगा और राइट लेग से ही टेक ऑफ। तो अगर आप 5 स्टेप से जंप कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट लेग से स्टार्ट होगा और राइट से टेक ऑफ। मैं ये बात कर रहा हूँ राइट फुट टेक ऑफ जंपर्स की। तो जो हमने एक कर्व बना लिया है, इस कर्व में अब हम करेंगे रनिंग। तो देखिए, फुल जंप नहीं करनी है, जस्ट आपका कर्व में रन करें और सिर्फ टेक ऑफ करें मैट के ऊपर। और इसको आप कई बार रिपीट करें, कम से कम 5-6 बार रिपीट करें। और जो भी आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप बार के क्लोज आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को आप पास कर लें या दूर कर लें। तो हमारा रनवे देखिए 6 स्टेप का होगा, 4 स्टेप्स कर्व में और 2 स्टेप स्ट्रेट रन। कर्व हमने बना लिया है, अब बारी आती है 2 स्टेप्स की। तो 2 स्टेप लेने के लिए आप 4 पेस लें और ध्यान रखें कि ये स्ट्रेट लाइन में ना हो बल्कि हल्का सा एंगल इनका 70-80 डिग्री तक हो। ये 2 स्टेप्स एथलीट को मोमेंटम देने के लिए हैं ताकि कर्व में जब आप रन करें तो आपके पास एक अच्छी स्पीड हो, अच्छी रिदम हो। अब इन 6 स्टेप से आप फिर से अप्रोच रन स्टार्ट करें। हाई जंप का देखिए जो रन होता है वो स्पीड में तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिदम। आप अप्रोच रन स्टार्ट करेंगे सिंपल रन से और ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप बार के नज़दीक जाते रहेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी और लास्ट स्टेप में आप एक्सेलरेट करेंगे टेक ऑफ के लिए। तो सिंपल याद रखिए, रन स्टार्ट करें स्लो और एंड करना है फास्ट में। तो जब आप कंफर्म हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए अपने रनवे पर, उसको मेज़र कर लीजिए। मेज़र करने के 2 तरीके हैं। पहले में हम यूज़ करेंगे एक मेजरिंग टेप। तो उसके लिए सबसे पहले अपने स्टार्टिंग मार्क से टेप पकड़ें और अपने टेक ऑफ साइड के स्टैंड तक उसको ले जाएं। उसके बाद स्टैंड के नीचे से एक मार्क लगा लें और जो आपने स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट ली है उस तक मार्क कर लें और एक मार्क जहां आपका कर्व स्टार्ट होता है उसको भी मेज़र कर लें। तो हमारे पास 3 मेजरमेंट हैं। इन 3 मेजरमेंट को आप एक नोटबुक में लिख लें और याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेज़रमेंट फाइनल नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये मेज़रमेंट भी चेंज होती रहेंगी। एक और बात कि इंटरनेशनल या नेशनल कंपटीशन में सिर्फ आप 2 ही मार्क लगा सकते हैं, तो वो 2 मार्क आप ध्यान से चूज़ करें और उन्हीं पे काम करें। फिर दूसरा तरीका रनवे मेज़र का, वो इजी है।
एथलीट अपने फुट का यूज़ कर सकता है मेजरमेंट करने के लिए। तो अप्रोच रन मेजरमेंट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आपके पास जो भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, और जितना हो सकेगा मैं आपका अप्रोच रन मेजरमेंट या अप्रोच रन पे आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे आप तक मैसेज या कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, एंड स्टे हेल्दी, कीप जंपिंग।